आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूँ जो कि आपको रंक से राजा, रोडपति से करोड़पति और गरीब से अमीर बस पलक झपकाते ही बना देगी। इस चमत्कारी अप्सरा की साधना करने के बाद आप अपने समय के बेताज बादशाह बन जाते हो। यह साधना और यह जो चमत्कारी अप्सरा है, ये जो आप सिद्धि कर लेते हो और इस चमत्कारी अप्सरा का अगर आप मंत्र ही जाप कर लेते हो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाते हो। तो यह चमत्कारी अप्सरा आपको पलक झपकाने से पहले करोड़पति बना देती है। यह चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी अप्सरा का नाम है रागिनी अप्सरा, जो कि सिर्फ 108 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूँ, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूँ। इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। यह साधना 1,00,001% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी लकीर है 1,00,001% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। और यह चमत्कारी अप्सरा क्या क्या करती है ध्यान से सुनिए। यह अप्सरा वशीकरण में महारती है। इसका वशीकरण अगर कर दिया, किसी के ऊपर भी आपने इसको वशीकरण के लिए चला दिया, तो फिर यह काम करके ही लौटेगी, आपके चुटके हुए जाते सामने वाला आपके वश में होगा। इसका वशीकरण इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता। इस चमत्कारी अप्सरा का जो वशीकरण है, इसको इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है। उसके बाद में यह पैसे से भरा जो गोडाउन होता है, एक जगह से दूसरे जगह बस आप पलक झपकाओ, आपका एक जगह से दूसरे जगह उस पैसे से भरा गोडाउन हो जाएगा। आपको पैसे की जरूरत है, बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोल कर देखो, आपने चुटकी बजाया नहीं कि उतना पैसा यह आपके समक्ष लाकर रख देगी। यह आपको मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करती है। और षटक्रम की यह तो बेताज बादशाह है, इसको षटक्रम में कोई हरा ही नहीं सकता। उसके बाद में यह आपको सट्टे का नंबर देती है। सट्टे में यह गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर देती है। और इसका बताया हुआ सट्टे का नंबर 1,01,000% लगता ही लगता है, खुलेगा ही खुलेगा, आंख बंद करके लगा दीजिए। यह आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है, और इसका बताया हुआ नंबर आंख बंद करके लगा दो। यह आपको शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। उसके बाद में कोई भी आपको इंपॉर्टेंट फाइल पर, इंपॉर्टेंट फाइल जो है आपका उच्च अधिकारी का सिग्नेचर लेना है उस फाइल पर, या कोई फाइल को गायब करना है, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह करना है, या कोई इंपॉर्टेंट सामान को यहां से वहां करना है, बस आप चुटकी बजाओ, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में यह जो चमत्कारी अप्सरा है, वो जो नीचे का जो धन होता है, जिसे कहते हैं गरा हुआ धन, जो जमीन के नीचे गरा हुआ धन होता है और गुप्त धन होता है, उसकी 1,01,000% सटीक जानकारी देती है। कैसे निकालना है, कब निकालना है, खुद ये निकाल कर भी दे देती है अगर आप इसको बोलोगे तो, क्योंकि इसकी खुद की एक सेना है जो कि इसके मतलब काम करती है इसके लिए। उसके बाद में यह आपको किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकती है, कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, उसके जेब में कितने पैसे हैं, पैसे का नंबर क्या है, सारा कुछ ये बता देगी। नोट का नंबर क्या है, वो इंसान क्या चाहता है, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब आपको ये बता देगी। यह आपको गुप्त औषधि का ज्ञान देती है। जो भी गुप्त औषधि होता है, जैसे गुप्त से गुप्त बीमारी का जो औषधि होता है, जड़ी और बूटी जो होता है, उसकी यह जानकारी देती है। और वह जड़ी बूटी की जानकारी यह पृथ्वी पर किसी के पास भी नहीं होगा जो आपके पास होगा। गुप्त से गुप्त बीमारी जो होता है, मात्र चुटकी बजाते आप ठीक कर दोगे। यह आपको गुप्त से गुप्त जो साधना होती है, जो आप साधना कर सकते हो, अप्सरा की जो साधना होती है वो, और दूसरी भी साधना ये आपको सिद्ध करवाती है। गुप्त से गुप्त आपको अमल सिखाती है, विद्याएं सिखाती है, ये आपको ऐसी ऐसी साधनाएं सिखाएगी, ऐसी ऐसी अप्सरा की साधनाएं सिखाएगी जो किसी के पास भी नहीं होगा इस दुनिया में, वो चीज आपको ये सिखाएगी। आपको कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप जहां भी जाते हो लोग आपको इग्नोर कर दे रहा है, आप किसी से बात भी करने जाते हो तो लोग आपसे वहां से उठकर चला जाता है आपसे बिना बात किए, तो आप बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, जो कोई भी आपको देखेगा तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि जॉब का एग्जाम दे दे के थक चुका है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जॉब का एग्जाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी
एग्जाम, वो दे दे के थक चुका है लेकिन बार बार वो फेल हो जा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमत्कार। यहाँ मंत्र जाप किया नहीं कि सामने लिस्ट में आपका नाम होगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बार बार बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है, बीमारी जड़ से गायब हो जाएगा। डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके हो, दुनिया में जा जाकर जहां तहां जा जाकर पैसा बर्बाद करके थक चुके हो, तो बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है आपके जीवन में, वो जो बीमारी होगा जड़ से खत्म हो जाएगा। आपने किसी को पैसा दिया है, वो पैसा दे नहीं रहा है, तो विद इंटरेस्ट आपको पैसा देगा। आप पर किसी ने केस कर दिया, वो केस आप जीत जाओगे। आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा। आप पर संतान आपका नहीं हो रहा तो संतान आपका होगा। आपका जॉब नहीं लग रहा तो जॉब लग जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलने लगेगा। हर एक तरीके से ये चमत्कारी अप्सरा आपकी मदद करती है। आपको पैसे की जरूरत है, ये आपको पैसे आपके पलक झपकते ही लाकर आपको देती है। ये आपको दुनिया का हर सुख प्रदान करने वाली ये अप्सरा है। यह आपकी हर ख्वाहिश आपके पलक झपकते ही पूरी कर देगी। आपकी हर एक मुराद, आपकी हर एक जो सपना आपने देख रखा है, आपकी हर एक इच्छा जो इसे कहते हैं, वह आपकी चुटकी बजाते ही पूरी कर देगी। ये चमत्कारी अप्सरा बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल अप्सरा है। इसका जो माया जाल होता है और इसकी जो शक्ति है, वह मतलब किसी के भी बस का बात नहीं है इसे रोक लेना, अगर आपने इसको चला दिया तो। यह आपकी जिंदगी को एक कहते हैं ना लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं, वैसा बना देती है। यह आपको हर एक इच्छा, आपकी जो हर एक इच्छा है, वह आपके कहने मात्र से, मतलब आपके सोचने मात्र से ही पूरी कर देती है। यह आपको लोगों के नज़र में भगवान बना देती है। यह साधना आपको एकांत कमरे में करना है जहाँ पर आपके सिवा कोई आता जाता ना हो, ना ही आपके सिवा कोई आएगा ना ही जाएगा। आपको यह साधना सोमवार के दिन करना है। इसमें आपको गेरुआ कलर का आसन, गेरुआ कलर का वस्त्र चाहिए, रुद्राक्ष की माला या तो चंदन की माला ले सकते हैं। अगर दोनों माला में से कोई माला ना मिले तो हाथ पे भी जाप कर सकते हो। इसमें आपको 5 प्रकार का मिठाई, 5 प्रकार का फूल, आपको इसमें तिल का तेल का दीपक जलेगा जो पंचमुखा होगा। उसके बाद में आपको 5 प्रकार का आपको फल चाहिए और इसमें आपको गुलाब की माला चाहिए, गुलाब का फूल जो होगा उसका माला चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको आम की लकड़ी से हवन करना होता है। इस साधना में आपको हवन सामग्री ले आइए, उसमें जौ तिल और आपको थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चीनी, जौ तिल और थोड़ा सा गंगाजल, घी और थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका हवन कीजिए। हवन करने के बाद में जो हवन का सामग्री रहेगा, जो राख बचेगा, उस राख को क्या करना है आपको, गुलाब जल उसमें हल्का सा डालकर उसमें एक पुतला का निर्माण करना है और उस पुतले को काले कपड़े में लपेटकर सामने रखकर आपको फिर से इस मंत्र का जाप करना है जो मंत्र बताया जाएगा। उस मंत्र का जाप करने के बाद में जब भी आप अपना अनामिका उंगली काटकर सामने में 7 बूंद रक्त गिराओगे, यह चमत्कारी अप्सरा आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। और इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, मंत्र है ओम श्रीम रागनी हृदय प्रिय आगच्छ 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 स्वाहा। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास, गुरु प्रति आत्मसमर्पण बनाकर रखिए। साधना 101% सिद्ध होगा ही होगा। किसी का बुरा मत कीजिए, सभी का भला कीजिए, तभी ये साधना आपके साथ भला होगा। नहीं तो आप किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। और साधना 101% सिद्ध होगा ही होगा।